नमस्कार। दहशतगर्द हरकत में है, लिहाजा पुलिस भी हरकत में आ गई है। राजधानी पटना दहशतगर्दों के निशाने पर है। पटना को दहलाने की साजिश काफी पहले से रची जा रही है, लेकिन दहशतगर्द कभी कभी पुलिस से भी आगे निकल जा रहे हैं और पुलिस उनसे पीछे रह जा रही है। इस बार मामला थोड़ा अलग है। पटना पुलिस को रांची पुलिस से जानकारी मिलती है। रांची पुलिस की जानकारी बिल्कुल सटीक थी। पटना पुलिस ने एक्शन भी लिया और नतीजा सामने आया। हम पहले भी इस बारे में आगाह करते आ रहे हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि कैसे राजधानी पटना दहशतगर्दों के निशाने पर है। इन्हीं सब बातों पर आज बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। पटना पुलिस ने गुरुवार को भारी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। खास बात यह है कि इन विस्फोटकों की बरामदगी रांची पुलिस की जानकारी के बाद की जाती है। इतना ही नहीं, बरामद विस्फोटकों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी की मदद की मांग की जा रही है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। पूरे देश की नजर बिहार की तरफ है, लेकिन दहशतगर्द भी बिहार की तरफ देख रहे हैं। उनके निशाने पर बिहार की राजधानी पटना है। यही वजह है कि पटना में लगातार विस्फोटक मिल रहे हैं। अभी बहादुरपुर का मसला सुलझा भी नहीं था कि एक नया मामला सामने आ गया। बहादुरपुर कॉलोनी में हुए विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। इस मामले में शक की सुई उग्रवादी संगठन PLFI की तरफ घूमी थी। पुलिस ने नालंदा से ब्लास्ट में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। लगा कि अब राजधानी में शांति आएगी, लोग सुकून से जी सकेंगे, लेकिन दहशतगर्दों की लिस्ट से राजधानी पटना का नाम अभी मिटा नहीं था। पुलिस भी जुटी थी दहशतगर्दों के इरादों को नाकाम करने में। 3 जून को पुलिस को सफलता हाथ लगती है। PLFI का फाइनेंसर सहित उग्रवादी पकड़े जाते हैं, वो भी हथियारों के साथ। साफ है कि दहशतगर्दों के निशाने पर अब पटना भी था, लेकिन लगता है कि पुलिस अभी इससे कुछ सबक नहीं लेती है। अगर सबक लेती तो महज 1 महीने का वक्त गुजरने के बाद फिर से इतना बड़ा जखीरा नहीं मिलता, तबाही का। पटना पुलिस को रांची पुलिस से जानकारी मिलती है। रांची पुलिस की जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक हाथ लगते हैं। जानकारी के मुताबिक ये विस्फोटक इतने खतरनाक हैं कि इनसे पटना को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन विस्फोटकों को डिफ्यूज करने में बिहार पुलिस के पसीने छूटने लगे और आखिर में बिहार पुलिस को मदद के लिए NSG की मांग करनी पड़ती है। जाहिर है तबाही का इरादा बड़ा ही खतरनाक था, तैयारी भी पूरी थी। शुक्र है रांची पुलिस का, जिसकी जानकारी पर तबाही के इस जखीरे को बरामद किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी पटना में पुलिस की मुस्तैदी कहाँ थी, जहाँ इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों को छिपाकर रखा गया था। सवाल गंभीर है, क्योंकि 25 जुलाई को नरेंद्र मोदी पटना आने वाले हैं। क्या दहशतगर्द कोई साजिश रच रहे थे? ऐसा इसलिए कि 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में भी धमाका हुआ था। यह धमाका मोदी की रैली के दौरान किया गया था। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। बैठकों का दौर जारी हो गया है, लेकिन इन बैठकों से नतीजे भी बाहर आने चाहिए। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश थी, तैयारी भी पूरी थी, लेकिन यह कोई पहली बार का मामला नहीं था और ना ही विस्फोटक पहली बार ही पकड़े गए। लेकिन लगता है कि पटना पुलिस कोई सबक नहीं लेना चाहती। संगठन PLFI से जुड़े हैं। जब बहादुरपुर कॉलोनी में विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ था, तब पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि विस्फोटकों का और जखीरा भी राजधानी पहुंच चुका है। लेकिन ये विस्फोटक कहाँ थे, पुलिस ये पता नहीं कर सकी। इसी बीच पटना पुलिस को रांची पुलिस से जानकारी मिलती है। ये जानकारी अहम थी। रांची पुलिस की जानकारी पर पटना पुलिस हरकत में आती है। शाम में ही पुलिस पटना के रामकृष्ण नगर के खेमनी चक इलाके में पहुंच जाती है। रांची पुलिस की जानकारी सटीक थी। पुलिस ने राम प्रवेश राय उर्फ नेताजी के लॉज में छापा मारा। जब कमरों को खोला गया
तो भीतर कई एयरबैग में केन बम के शक्ल में आईईडी बम बरामद हुआ। पुलिस हैरान रह जाती है। इन बैग्स में 20 किलो के 3, 10 किलो के 8 और 5 किलो का एक केन बम बरामद हुआ। कुल मिलाकर 145 किलो के विस्फोटक बरामद किए गए। इसके अलावा मौके पर से लोटस कंपनी के 11 टाइमर भी बरामद किए गए। पुलिस को इन विस्फोटकों के पीछे नक्सली संगठन पीएलएफआई का हाथ होने का अंदेशा है। देखिए, पटना में पूर्व में पीएलएफआई के कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उस समय कुछ रिकवरीज हुई थी, उनसे सूचना मिली थी कि कुछ रिकवरीज और होनी चाहिए थी, बट उस मकान का पता चल नहीं रहा था। कल सीनियर एसपी रांची को कुछ गुप्त सूचना मिली जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। उसके आधार पर जब सर्च कराई गई तो इस मकान का पता चला। खोजने पर करीब 12 आईडीज़ जो तैयार हालत में थी और साथ में 50 से अधिक सर्किट्स जिनका इस्तेमाल करने में किया जा सकता था, 50 से अधिक डेटोनेटर्स इत्यादि वहाँ से बरामद की गई। बॉम्ब्स को जब देखा गया तो उसी समय पुलिस की सर्च को रोक दिया गया था, क्योंकि काफ़ी खतरनाक है और इनसे जान माल की भारी क्षति हो सकती है। जो आईईडी बरामद हुआ है वो काफ़ी खतरनाक है। एक आईईडी से 2 मंजिले मकान को उड़ाया जा सकता है। पुलिस विस्फोटकों को डिफ्यूज करने में जुट जाती है, लेकिन इस काम में पटना पुलिस के पसीने छूटने लगते हैं और आखिरकार वो नाकाम ही रहती है। पुलिस ने डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी की मदद मांगी है। सवाल यह है कि पटना में इतने बड़े पैमाने पर तबाही का सामान मौजूद था, लेकिन पटना पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। रांची पुलिस की जानकारी पर पटना पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है। शुक्र है कि तबाही का यह सामान वक्त रहते ही बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों का एक खतरनाक मंसूबा वक्त रहते ही कुचल दिया गया। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। पटना के बहादुरपुर में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट ने सभी की नींद उड़ा दी थी। ये 30 मार्च का मामला है। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में धमाका हुआ। इस धमाके की गूंज ने सुरक्षा कर्मियों की नींद उड़ा दी। धमाके के कनेक्शन जुड़ने लगे, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच गई। धमाका टाइम बम बनाने के दौरान हुआ था। धमाके की इंटेंसिटी भी तेज थी। कल यानी 30 तारीख को 8:05 में रात को ये सूचना मिली कि बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में सेक्टर 3 के ब्लॉक नंबर 12 के फ्लैट नंबर 21 में, जो कि भूतनाथ रोड पर अवस्थित है, कोई बम विस्फोट हुआ है। तो ये सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष, सिटी एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, सारे वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर स्टील के 3 केम बम बरामद किए गए। एक में विस्फोट हुआ था, 2 में जिंदा बम था। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ है, लेकिन इस ब्लास्ट के तार इससे भी आगे की ओर इशारा कर रहे हैं। पटना के ब्लास्ट में जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां पर टाइमर बरामद हुआ। इस टाइमर ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। वैसे ही टाइमर का इस्तेमाल बोध गया और पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट के दौरान किया गया था। जो विस्फोटक बरामद हुआ उसका इस्तेमाल आतंकी किया करते हैं। तो क्या इस फ्लैट में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी? टाइमर के लिए जिस लोटस घड़ी का इस्तेमाल किया गया वही घड़ी बोध गया और पटना के सीरियल ब्लास्ट में भी इस्तेमाल की गई। बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची और जो 2 जिंदा केन बम थे उसको डिफ्यूज किया गया और वहां से एक मोटरसाइकिल भी घटनास्थल से बरामद की गई है। और निष्क्रिय जो किए गए टाइम बम, जिंदा टाइम बम जिनको निष्क्रिय किया गया, उनके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इसमें टाइमर के रूप में लोटस कंपनी की घड़ियों का उपयोग किया गया है। ऐसे ही घड़ियों का उपयोग पहले गांधी मैदान में जो विस्फोट हुआ था उसमें हुआ था। रांची में कुछ बम बरामद हुए थे उसमें भी ऐसी घड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। आपको बता दें कि बोधगया में भी आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट किया था। उसके बाद 27 अक्टूबर 2013 को पटना में मोदी की रैली के दौरान आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट कर राजधानी को दहलाने की कोशिश की थी। इस बार ये ब्लास्ट बम बनाने के दौरान ही हो गया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आतंकी भी अपने मिशन में जुटे लगते हैं।
अब यह सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ही साफ हो पाएगा कि आतंकियों की योजना क्या थी, क्या थे उनके इरादे। लेकिन ब्लास्ट का यह मामला कई संकेतों की ओर इशारा कर रहा है। जरूरत है वक्त रहते ही आतंकियों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। विस्फोटकों का पीएलएफआई कनेक्शन दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। राजधानी पटना पहले से ही उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के निशाने पर है। जी मीडिया लगातार इस मामले को आपके सामने रखता आया है। हमने आपको पहले भी दिखाया था जब हथियारों के साथ उग्रवादी गिरफ्तार हुए थे। इनका इरादा पटना में रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने का था। पटना को थी दहलाने की साजिश। राजधानी पटना अपराधियों के निशाने पर, दहशत फैलाकर वर्चस्व कायम करने की तैयारी। पुलिस ने नाकाम किए दहशतगर्दों के इरादे। उनके इरादे बड़े खतरनाक थे। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश रची गई थी। अपराधियों के निशाने पर आगामी विधानसभा चुनाव भी था। उनकी तैयारी मुकम्मल चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई भी सही वक्त पर और दहशतगर्दों के इरादे धरे के धरे रह गए। पुलिस ने उनके इरादों को वक्त रहते ही नेस्तनाबूद कर दिया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिस के पीछे जिन लोगों को देख रहे हैं, ये तमाम लोग उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टे के साथ 12 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इतना ही नहीं, इन अपराधियों के पास से पुलिस ने दर्जनों अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किया है। बरामद हथियारों का जखीरा बहुत कुछ बयां करता है। ये हथियार राजधानी पटना को दहलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। कदम तल में छापेमारी की गई, जहाँ से सुभाष महतो की एक मशीन फैक्ट्री है, जहाँ पे दोने का जो बनाने का काम किया जाता है, वहाँ पे छुप के एक लेथ मशीन लगा के बड़ी मात्रा में हथियार मैन्युफैक्चर करने का काम किया जा रहा था। चुहुआ के जो अवधेश के द्वारा ये बताया गया था कि उनके द्वारा कुल 100 हथियार बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सुभाष महतो को दिया गया है। सुभाष महतो मूल रूप से सकसोरा थाना का रहने वाला और काफ़ी समय से बाईपास थाना अंतर्गत रह के पटना साइब स्टेशन के पास में इन जो दोने की फैक्ट्री है उसकी आड़ में इन हथियारों का निर्माण कर रहा था। वहाँ से छापेमारी में पुलिस को ये जानकारी हुई कि सुभाष महतो जो है वो वहाँ से फरार हो गया और उसका बेटा सूरज महतो को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोग उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सदस्य बताए जाते हैं। पीएलएफआई झारखंड के कुछ जिलों में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन है। राज्य सरकार ने इस उग्रवादी संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस उग्रवादी संगठन ने अपने पैर झारखंड के बाहर भी जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि पटना के 15 युवकों को झारखंड में ले जाकर ट्रेनिंग दी गई है। पीएलएफआई ने झारखंड के सिमडेगा में बाकायदा अपना ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। ये संगठन अब पटना में दहशत फैलाकर लोगों से रंगदारी वसूलने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने इसके इरादों को अमल में आने से पहले ही मिटा दिया। इरादा झारखंड की सीमा से बाहर निकलकर बिहार तक अपना दायरा फैलाने का था। पुलिस को काफ़ी बड़ी मात्रा में जो बैरल्स हैं, अर्धनिर्मित निर्मित बैरल हैं, वे बरामद हुए और लगभग 100 से अधिक जो हैं काटे हुए जो छड़ जो हैं जिससे कि बैरल बनाए जाने थे वो प्राप्त हुए। जो लेथ मशीन है, जो काफ़ी भारी लेथ मशीन है जिससे इस तरीके के बैरल अल्प अवधि में बनाए जा सकते हैं, वो वहाँ से बरामद किया गया है। इस तरीके से जो काफ़ी बड़ी साजिश थी पटना के अंदर में बड़ी घटनाओं को करने की, हथियार बांट के, तो उसको पुलिस में उसके गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई। अभी चुनाव से संबंधित इसमें कोई इस तथ्य सामने नहीं आया है, परंतु निश्चित रूप से जो अभी तक पूछताछ हुई है
चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि उसमें एक बड़ी मात्रा में जो 100 हथियार का इनके द्वारा यहाँ पे सप्लाई जो ऑर्डर दिया गया था 100 हथियार बनाने का, तो निश्चित रूप से विध्वंसक घटनाओं में इनके द्वारा उसका जो है यूज़ किया जाना था इनके द्वारा, और इनके द्वारा कुछ जो है बारूद ला के बॉम्ब्स जो पुनः मैन्युफैक्चर करने की भी इनके द्वारा इस तरीके की कोशिश की जा रही थी। जो ये अवधेश उर्फ चुहुआ ने ऑर्डर दिया था, दरअसल PLFI ने 100 हथियार बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। पुलिस ने 100 ऐसे छड़ भी बरामद किए हैं जिनसे बैरल बनाए जाने थे। इन सब की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे संगठन को चलाया जा रहा है। काफ़ी इसके जो फैलाव के इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, परंतु जो पटना पुलिस और STF के द्वारा जो ये ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, इसमें इनके जो सभी मुख्य जो व्यक्ति हैं उन सभी की गिरफ्तारी पूर्व में और अभी मिलाकर हुई है। इसके अतिरिक्त में कुछ लोअर लोग जो नीचे से इसके साथ में जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ सफ़ेदपोश भी हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियां हैं, उनको हम लोग एविडेंस जुटा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, अभी कई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आने की उम्मीद है, लेकिन इस खुलासे ने दोनों राज्यों की खुफिया एजेंसियों की नींद जरूर उड़ा दी होगी। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। दहशतगर्दी की यह कहानी आगे भी रहेगी जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात तब की करते हैं जब जितेंद्र राणा पटना के SSP थे। पटना पुलिस ने उग्रवादी संगठन PLFI के फाइनेंसर को पकड़ा था। इस सफलता के तार बहादुरपुर ब्लास्ट तक पहुंच गए थे। बिहार पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद एक एक कर कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस ने अवधेश, संतोष और सिद्धि नाम के लोगों को गिरफ्तार किया है। अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इनमें से सिद्धि 20 से अधिक बैंक डकैती के मामलों में आरोपी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि यह शख्स 8 साल से अधिक का समय जेल में गुजार चुका है, लेकिन फिर भी सिद्धि सरकारी नौकरी में था। अब ये बड़ा सवाल होता है कि एक आरोपी और सजा याफ्ता शख्स सरकारी नौकरी कैसे कर रहा है। पुलिस के मुताबिक सिद्धि का काम बैंक डकैती करना और हथियारों की सप्लाई करना था। पर एक अन्य व्यक्ति सिद्धि को गिरफ्तार किया गया है, अगमकुआ थाना क्षेत्र से। सिद्धि वर्तमान में धनुआ क्षेत्र में एक सरकारी टीचर का कार्य कर रहा है, परंतु जब उससे पूछताछ हुई, उसका पूरा इतिहास खंगाला गया, तो उसमें जानकारी हुई कि वो 20 से अधिक बैंक डकैती में का अपराधी है, और उसके द्वारा न सिर्फ बिहार में परंतु छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, अन्य मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारी बैंक डकैतियों में वो रहा है, और उसके साथ ही लगभग 8 साल से अधिक जेल में रहा है। ये अपने आप में एक जो आश्चर्यजनक विषय था कि इतने साल जेल में रहने के पश्चात भी किस प्रकार से वो सरकारी नौकरी के अंदर में रह के कार्य कर रहा था। सिद्धि का मूल कार्य बैंक डकैती और हथियार सप्लाई करना है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उन लोगों में वो शख्स भी शामिल है जो PLFI का फाइनेंसर था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मसौड़ी का संतोष कुमार PLFI के लिए फाइनेंसर का काम करता था। वो PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप के अकाउंट में पैसे भेजा करता था। पुलिस अब इस मामले की भी जांच कर रही है। PLFI के बारे में ये बताया गया अवधेश के द्वारा कि पटना और इस के आसपास के क्षेत्रों में ये काफ़ी विध्वंसक घटनाओं को अंजाम देकर रंगदारी वसूलना चाहते हैं। जिस प्रकार से झारखंड में वो लोग बड़ी रंगदारी वसूल रहे हैं, तो उसी प्रकार का उनका यहाँ पर भी ध्येय है रंगदारी वसूलने का। और अवधेश उर्फ चुहुआ और संतोष तथा सिद्धि ये लगातार पूरे इलाके के अंदर में, विशेषकर नालंदा का जो हिलसा, करायपुर सुराय और पटना का मसौड़ी तथा जहानाबाद का इलाका, उसमें लगातार सक्रिय रहकर कुछ नौजवानों को साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और इनके द्वारा कुछ नौजवानों को जोड़ के अपने साथ में उनको झारखंड के सिमडेगा ट्रेनिंग के लिए भी ले जाया गया था अपने साथ। अवधेश उर्फ चुहुआ अभी कुछ समय पहले भी झारखंड में सिमडेगा में ही इसी तरीके से काफ़ी बड़ी हथियारों की खेप के साथ में पकड़ाया था।
उसके ऊपर काफ़ी सारे मामले झारखंड में भी दर्ज हैं, पटना में भी दर्ज हैं और नालंदा में हिंसा में भी काफ़ी सारे मामले उस पर दर्ज हैं। वो लगभग 7 साल हिंसा जेल में भी वहाँ पे रहा है जहाँ से इन सभी का एक जो गिरोह है वो बना है। इतना ही नहीं, पुलिस ने राजधानी पटना के बहादुरपुर में हुए ब्लास्ट के मामले में भी सफलता पाई है। पुलिस ने बहादुरपुर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। ये मोटरसाइकिल PLFI के ही पैसे से खरीदी गई थी। बहादुरपुर हाउसिंग सोसाइटी में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बॉम्ब के संबंध में भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि किस प्रकार से जो बारूद था उसको यहाँ पर लाया गया, किन लोगों के द्वारा उसको तैयार कराया गया, किन लोगों की उससे मदद की गई और वो लगभग एक माह तक जो उसका एक्सप्लोजिव था उसको यहाँ पे पटना के विभिन्न नालंदा जिला से शुरू करके पटना के विभिन्न स्थानों पे भी रखा गया था उनको और किन किन व्यक्तियों के पास में रहा वो भी जानकारी हमको प्राप्त हुई है। छापेमारी में पुलिस को एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह वही मोटरसाइकिल है जिससे बहादुरपुर हाउसिंग सोसाइटी में बम ब्लास्ट के बाद में सोनू और छोटू फरार हुए थे और उसी मोटरसाइकिल पर वे लोग वहाँ पर ये जो बॉम्ब्स जो बरामद हुए थे जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेके वहाँ से आए थे। ये मोटरसाइकिल अवधेश और चुहुआ की पत्नी के नाम पे दर्ज है। बहरहाल पटना पुलिस झारखंड पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी, अभी और खुलासे होंगे। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और इसी के साथ जुर्म के दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।